कॉन्सेप्ट तो गूगल और रिडली स्कॉट हमारा एग्जीक्यूटिव गूगल और रिडली स्कॉट हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसकी आइडिया है उसका कॉन्सेप्ट कि लोग सारा देश में एक दिन में जो भी शूट करना है शूट करो एक दिन में फिर हमको दे दो अपलोड करो गूगल की तरह तो फिर हम ये फुटेज लेंगे और एक फिल्म बनाएंगे कि एक दिन इन इंडिया कैसे कैसे है आपकी फुटेज से मतलब आपकी फुटेज से सो मैंने कुछ नहीं शूट किया हमारा टीम कुछ नहीं शूट किया सिर्फ लोग इंडिया में तो 16,000 क्लिप्स लोग ने भेजा तो 3-4 महीने के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही देख रहा था मतलब मैं और मेरा टीम पूरा टीम सिर्फ देख रहे थे क्या क्या लोग ने दिया तो 4 महीने के बाद फिर हम एडिटिंग शुरू किया ओह माय गॉड हाँ मतलब पूरा इंडिया ने किया तो लेकिन देखो इंटीरियर्स में विलेजेस में फिशिंग विलेज हिमालयाज़ में मेट्रोज में मतलब घर के अंदर घर के ऊपर सड़क में क्या हो रहा है रिक्शा वाले के साथ क्या हो रहा है काम कौन कर रहा है क्या कर रहा है बच्चे के साथ कैसे खेलते हैं सब कुछ मतलब जो भी सोचो है इसमें फिल्म है इसमें अच्छा, इसमें हाँ मतलब अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखो लेकिन ये सारे सारे नाम जो है इसके ऊपर फिल्म इज़ बिगर देन दिस फिल्म तो पूरा देश का है फिर ये हमारा नाम हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ये इंडिया का स्टोरी है माय प्लेजर मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मैंने रिची मेहता का स्ट्रगल देखा है कितने सालों से और ऊपर से ये जानना चाहता हूँ कि कितने सालों में कंट्रीब्यूट किया ये एक तरह से देखा जाए तो एक क्राउड सोर्स फिल्म जैसी हो गई है कि सबका अपना अपना अभिप्राय अपना अपना दृष्टिकोण है कि क्या इंडिया उनके लिए क्या मायने रखता है और उनकी क्या छवि है तो वो दर्शा रहे हैं तो वो देखने में बड़ा मज़ा है फिल्म इसी के बारे में इंडिया इन अ डे इज़ लाइक ए क्राउड सोर्सड फिल्म मेकिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत लोगों ने मिलकर अपने अपने व्यूज़ बताए कि अपना अपना शूट करके भेजा है कि इंडिया उनके लिए एक दिन में क्या मायने रखता है क्या उनकी छवि है क्या उनको लगता है कि इंडिया ऐसा क्या छवि है तो उसको दर्शाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने वीडियोज़ भेजे हैं जिसको रिचि मेहता ने बहुत शिद्दत से एडिट किया और एक फिल्म बनाई है तो वो देखने के लिए मैं जी देखिए इंटरनेट कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का असर तो पड़ता ही है कि कैसे हम लोग इंडिया को प्रस्तुत करते हैं आजकल के ज़माने में ज़्यादा देखा जाए तो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है विच इज़ गुड इन अ वे क्योंकि हम लोगों को समझ में आता है कि कैसे ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं और इसका एक दुष्प्रभाव भी हो जाता है कि इतना सारा पोलराइज इतना सारा नेगेटिव ओपिनियन आ जाता है और कितनी सारी ट्रोलिंग हो जाती है तो उसके चलते आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लोगों को मिल रहा है बहुत एक कलेक्टिव ओपिनियन लोगों को मिल रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मुद्दे सामने आके खड़े हो जा रहे हैं पहले से था कि आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता था कि अगले दिन अखबार में आपको देखने को मिल रहा है लेकिन अभी जैसा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको ट्विटर पे इनफैक्ट फास्टर देन गूगल हो गया है तो आपको हर चीज़ पता लगती है तो उस हिसाब से अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मतलब कैसे आया कि इससे भी कोई इंडिया क्राउड ऐसा बनाना चाहिए जी मुझे तो पता नहीं मैं पार्ट का क्रू नहीं हूँ क्रू का पार्ट देखिए इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे जो लगता है कि अगर मैं इस क्रू का हिस्सा होता तो मुझे लगता है कि इतना सारा इतने सारे लोग वीडियोस भेजे होंगे पता नहीं कितने महीने लग गए होंगे सिर्फ देखने के लिए कि लोगों ने क्या भेजा और उसमें से छांट के कहानी बोलना वो आई थिंक इज़ अ बिगर चैलेंज
जो हम लोग क्या अगर फिल्म बनाते तो एक कहानी होती है उसको आप फिल्मांकन करो फिर आप फिल्म बनाते हैं, बट दिस इज़ अ बिगर चैलेंज है। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में खुद भी नहीं जानता हूँ, और सच में मैं इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो तीन आइडिया चेज कर रहा हूँ, और हाँ बहुत टाइम हो गया लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट। मैंने हालांकि फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने जितना सुनने में आता है कि बहुत बढ़िया फिल्म है, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि ऑलमोस्ट नॉन स्टार कास्ट फिल्म विद ऑफकोर्स मिस्टर बच्चन इज देयर, बट ऐसी फिल्म को इतना सराहा जा रहा है, इतना एंड बॉक्स ऑफिस मिल रहा है, वो जान के खुशी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था इंटरनेट का कितना योगदान रहा है, वो जो मैं बोल रहा था कि खामियाँ भी हैं उसकी, कि कैसे हम लोग अटैच टू आवर फोन, वी आर अटैच्ड टू आवर फोन टू आवर लैपटॉप, वी डोंट गो आउट, वी डोंट डू एनीथिंग। आई रिमेंबर हम लोग जब छोटे थे तो कुछ भी चीज़ जाननी होती थी आपको गो आउट एंड फाइंड आउट, या खेलों में रुचि या किसी और चीज़ में रुचि या कहीं बाहर जाने की रुचि, अभी सब कुछ आपको पैरिस देखना है आप इंटरनेट पर देख लो, आपको कोई गेम खेलना है यू कैन वॉच यू कैन प्ले गेम्स ऑन योर प्ले स्टेशन, सो यू डोंट हैव टू, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द हाउस, सो ये है। तो अगर ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है तो आप बता रहे हैं तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। सब उसी अरे भाई लाइव अरे तो एक्चुअली ये जो फिल्म है इन्होंने साल में एक दिन सबको इनवाइट किया और न्योता दिया कि वो अपने ज़िंदगी का एक दिन डॉक्यूमेंट करके फिल्म पे डाल के भेजें, और इसमें से उनको काफ़ी हज़ार घंटों का फुटेज मिला है पूरे देश से। तो ये एक हमारे लिए एक चित्र बन जाता है कि हम किस मुकाम पे आए हैं, पूरे देश के अलग अलग लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही बहुत अहम काम है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ने हमें यहाँ तक लाया है लेकिन इसने क्या किया है, कहाँ जा रहे हैं, लोगों की क्या आशाएं हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं, तो ये पावर है।
लोग सारा देश में, मतलब विलेज में, इंटीरियर में, उनके पास भी इंटरनेट है, तो अब वो कह सकते हैं, अगर कुछ कहना है कुछ कह सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है, तो फिल्म तो एक बड़ा प्रॉब्लम है और फिल्म के अंदर इतने छोटे 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 प्रॉब्लम है हज़ारों, तो लेकिन आई लव दिस. उनको इनको 6000 घंटे, कितने घंटे थे? नहीं 450, 450 नहीं 450,000. No, 450 hours. Oh, that's it. 16,000 submissions. Okay. 450 घंटे की फुटेज उनको देखना पड़ा, और सब देखने के बाद उन्होंने ये कहानी बनाई. तो दे आर आस्किंग यू हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू चूज द चीज. बहुत मुश्किल हुआ. वेरी वेरी डिफिकल्ट. या लेकिन मजा, बहुत मजा आया. जी हम बहुत ही खुश हैं कि मामी फिल्म क्लब के ज़रिए ये लोगों तक अभी पहुंच रहा है. ऑफकोर्स 23 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी, तो सारे दर्शक इसको हॉल में देख सकते हैं. लेकिन मामी फिल्म क्लब का ये प्रीमियर स्क्रीनिंग है इंडिया इन अ डे का, और ये हमें बहुत बहुत गर्व है इस बात पर, क्योंकि आई थिंक हम चाहते हैं कि अलग अलग किस्म के फिल्म लोगों तक पहुँचे, और डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिलते, और ये एक काफ़ी अलग डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ये क्राउड सोर्स्ड डॉक्यूमेंट्री है. जो सारी फुटेज फिल्म में दिखाई जाती है वो लोगों के एक्चुअल ज़िंदगी से है, तो ये हाँ वेरी प्योर. डायरेक्टली इन्होंने कुछ उसका कुछ किया नहीं है, लोगों ने जो भेजा है वो एडिट किया है. तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट विल गिव अस अ रियल पिक्चर ऑफ आर नेशन, अ टेस्टमेंट ऑफ द काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट. देखो 2 महीने में YouTube पे आएगा. चार लड़कियाँ. हाँ जी, 100 kgs का वेट. जी ये एक फैमिली पोर्ट्रेट का पोस्टर है. हमें तो बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट जो राहुल नंदा और आमिर ने बैठ के और नितेश जी ने बनाया. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक औरतों को एक अलग इमेज में पेश करता है. दीज आर गर्ल्स हु आर टफ, गर्ल्स हु डोंट यू नो टेक थिंग्स लाइंग डाउन, गर्ल्स हु आर फाइटर्स. हरियाणवी इज एक्चुअली. एंड इट्स अ रियल स्टोरी, सो इट्स रियली एक्साइटिंग. तो इनका मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लगा. अभी देखिए फिल्म कैसे, हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम द फिल्म. होता है लेकिन ये इंडिया के समस्या नहीं है, ये पूरा मतलब दुनिया की समस्या. दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड. तो मतलब दिस इज ये मतलब मम्मी पापा के ऊपर है, हाउ कैन यू मॉडरेट यूसेज. तो बाहर खेल सकते हैं, मतलब स्टडी करो, इंटरनेट इज अ टूल, दिस इज ऑल्सो अ टूल. जी मेरा भी एक 5 साल का बच्चा है, तो मैं एज अ माँ मैं बहुत मुझे बहुत फेस करना पड़ता है ये इंटरनेट की जो एक ऑलमोस्ट एडिक्शन सा हो जाता है बच्चों को, जो सब अवेलेबल है उनको हर वक्त कभी भी जो भी चाहिए मिलता है. तो एज अ पेरेंट, एज अ माँ होने के नाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप कितना बच्चों को स्क्रीन टाइम दें, कितना अलाउ करें, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएं, यू नो खेलें, एक दूसरे से यू नो हैव मोर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे
को समझें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सीखें, जो कि ग्रुप गेम्स सिखाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे इनिशिएटिव्स जूनियर मैराथन जैसे हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखें और बचपन से ही ये एक शुरू एक इनक्रेज करना ज़रूरी होता है। थैंक यू। थैंक यू। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मतलब फिल्म तो स्पॉट फ्री ने प्रोड्यूस की है और जैक जो है जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और लोगों ने खुद ने अपनी अपनी कहानियाँ बना के भेजी, जो रिची मेहता है जिन्होंने उसको एक साथ जो है उसमें से इंडिया की एक पिक्चर जो है निकाली, तो अपने आप में बहुत ही कमाल का एक्टर है, तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली फिल्म। स्टोरी लाइन नहीं, मतलब ये कहानी इसे लाइफ इन अ डे जब मूवी बनी थी वो ये था कि आप जो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि एक आदमी अपनी सोच जो है उसकी सोच उसके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से लिमिटेड होती है, तो जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं जो हर आदमी अपनी अपनी जगह शूट करता है तो फिल्म भी उस तरह से अनलिमिटेड हो जाती है, तो ये फिल्म जो एक्सपैंड करती है हर उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इकट्ठा करके हमें एक इंडिया की एक वो छवि देखने को मिलती है जो एक अकेला आदमी कभी इकट्ठा नहीं कर सकता। फिल्म में इंटरनेट का पावर दिखाया बहुत सारा था फिल्म में, आज इंडिया में इंटरनेट का जो इंटरनेट की जो जगह है, जगह जिस उसने क्रिएट किया और जो नहीं कर पा रहा है, जो उसने एक गैप भरा है और जो गैप क्रिएट भी किया है, उसके बारे में फिल्म है। और इंडिया आज के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ग्रो कर रहा है वो ये फिल्म दर्शाती है। होते हैं, वही बोला, ये फिल्म जो है कई गैप भरती है और कई गैप जो क्रिएट भी हुए इंटरनेट से वो भी इस फिल्म में है। अगर देखेंगे फिल्म में तो फिल्म का एक अपना इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर छोड़ती है। यार देखो, हर नई चीज़ करने में चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो उसका एक अलग मज़ा भी होता है ना, आप एक नई दिशा में धक्का दे रहे हो चीज़ों को, नई चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे हो, उसके अपने सक्सेस और फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो बिकॉज आज जिस तरह से इंटरनेट एक्सपैंड कर रहा है और जिस तरह से लोग फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गए हैं या सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं और अपनी बातें कह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं और जिस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आगे चल के काफ़ी कुछ क्रिएट करेंगे। मेरी एक्टिंग के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अभी इंडिया में देखें, कोई वर्कशॉप नहीं हो रहा, मैं बहुत सारा थिएटर किया हुआ था, पुरानी बात है, अभी हम सिर्फ इंडियन आइडल की बात करेंगे और मामी की बात करेंगे, मामी आने वाला है, मामी ये भी फिल्म दिखाई जाने वाली है, आपके आने वाले प्रोजेक्ट जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं। कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। सर, एक सुना एक खबर आ रही है कि आप कंगना रनौत के साथ फिल्म करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं, मैं उनके साथ एड फिल्म शूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, बाकी सब खबरें आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग जवाब दो। बहुत अच्छी बात है, मैं देखी नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ पीछे देखने के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डिबेट है जो पिंक ने क्रिएट की है, और पिंक का जो सक्सेस जिस हिसाब से जा रहा है उस तरह से लगता है कि हमारी जो आज के ऑडियंस है वो हर तरह के नए सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने को तैयार है, और वो कई बार क्या होता है, जब आज ही मैं बात कर रहा था जूही चतुर्वेदी जी से, वो कह रही थी कि जब अमिताभ बच्चन खड़े होकर वो चीज़ें कहते हैं जो लोग चाहते हैं कोई ऐसा कहे कि दुनिया सुने, जब बच्चन साहब कहते हैं ना लोग सुन रहे हैं, और वो उनके मुँह से कहलवाना, वो बात कहलवाना तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दबी हुई है, कोई डर के मारे नहीं कह पाता, कोई जजमेंट के मारे नहीं कह पाता, उन्होंने कह दिया, वो राइटर की लिखी हुई लाइनें हों, डायरेक्टर की डायरेक्ट की हुई फिल्म हो, लेकिन जो बात उस फिल्म ने सामने रखी है वो बहुत ज़रूरी थी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा,
कि सेंसर बोर्ड ने हाल ही में उन्होंने आशा जताई थी कि आने वाले समय में फिल्म लीक नहीं होगी, लेकिन हाल ही में राज रिपोर्ट को लेकर खबरें आ रही थी कि वो भी फिल्म लीक हो गई। लेकिन यार ये मुझे जो समस्या है ये साइबर सेल की समस्या है और हम सब लोग ने कंप्लेन की और हम सब लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी ये जो चीज़ें ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बात आगे तक जा चुकी है कि किसके ऊपर उंगली उठाई जाए, जब तक ये रिपोर्ट साइबर सेल से नहीं आती कोई किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता, बाकी सब जो है बेबुनियाद बात है। थैंक यू सो मच।